हजारीबाग में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ कमल किशोर के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोनात पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान 30 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया। यह गांजा पिकअप वैन में उड़ीसा के कोडापुर से बक्सर ले जाया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रांची से एक पिकअप वैन में गांजा लेकर जाया जा रहा है। खबर मिलते ही एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर कोनार पुल के पास वाहन चेकिंग लगाया गया। ये आज सुबह में हजारीबाग के मुफस्सिल थाना प्रभारी और मुफस्सिल थाना के अन्य पदाधिकारी और यहाँ के बल जिसमें जो है कि हम जो है नेतृत्वकर्ता थे, इसमें आज जो है एक सूचना जो है प्राप्त हुई थी और काफ़ी वाइटल इनपुट था कि रांची के रास्ते से हजारीबाग होते हुए गांजा का एक बड़ा खेप जो है बिहार जाने वाला। इस सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया और ये इनपुट हमारे एसपी साहब को मिला था। ये एसपी साहब ने ये इनपुट हम लोगों को जो है कि दिया था और उनके निर्देश पे एक छापामारी दल का गठन किया और सोनार ये जो पेट्रोल पंप के सामने हम लोगों ने चेकिंग लगाया। तो लगभग 8 बजे के आसपास सुबह में रांची की तरफ से एक पिकअप वैन जो है आ रही थी, उसने जो हम लोगों ने चेक किया तो पिकअप वैन के डाला को काट कर अंदर एक बॉक्स बनाया गया था जिसके ये कुल 53 पैकेट गांजा बरामद हुए। सभी पैकेट्स का हम लोगों ने वजन करवाया है, सभी पैकेट्स का 5 किलोग्राम गांजा है। इसके साथ 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक चालक और उसके लिए जो है कि दूसरे जो है कि को चालक है, एक का नाम कामेश्वर कुमार है ये और एक का नाम है विशाल कुमार। सर इसका बाजार में क्या रेट होगा? देखिए ये स्थानीय मार्केट में इसका कीमत 30 लाख रुपया है और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास इसकी कीमत। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, कामेश्वर कुमार एंड विशाल कुमार, ये दोनों बक्सर के रहने वाले हैं और ये खेप बक्सर ही जाने वाला था, कोरापुट उड़ीसा से लोड किया गया था और ये बक्सर जा रहा था, बीच में इंटरसेप्ट करके।